देख रहे हैं मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और स्वागत है आपका मायापुरी अपडेट्स में, जहां हम आप तक बॉलीवुड से जुड़ी सारी खबरें पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म एनिमल के बाद से नेशनल क्रश बन चुकी एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी आज 23 फरवरी को अपना 30th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। इस मौके पर उनके कथित बॉयफ्रेंड सैम मर्चेंट ने तृप्ति के लिए एक पोस्ट शेयर किया है और एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें दोनों साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि सैम ने इस तस्वीर के साथ बर्थडे मैसेज में ज्यादा कुछ खास नहीं लिखा और उन्हें सिर्फ जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने बिन तेरे गाने पर अपनी शादी का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वीडियो एक ड्रीमी सीन जैसा लग रहा है जिसमें कपल को अपनी शादी के जश्न की खुशी में डूबे हुए दिखाया गया है। ग्रैंड वेडिंग की वीडियो देखने के बाद फैंस और फ्रेंड्स दोनों ही उन्हें बधाइयां और शुभकामनाएं दे रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने ब्रेन स्ट्रोक से उबरने के बाद अब दोबारा फिल्म शास्त्री की शूटिंग शुरू कर दी है। मधुर भंडारकर हाल ही में शास्त्री के सेट पर पहुंचे थे और मिथुन चक्रवर्ती का एक वीडियोस और कुछ फोटोज शेयर किए थे। मिथुन चक्रवर्ती को कुछ दिन पहले ब्रेन स्ट्रोक आया था और अस्पताल में इलाज चल रहा था। फोटोज में वो अब एकदम ठीक लग रहे हैं और उन्हें इस तरह देख फैंस भी खुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने भी राहत की सांस ली है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 में मिर्जापुर से गुड्डू भैया फेम एक्टर अली फजल की एंट्री हो गई है। इस खबर के आने के बाद अली फजल के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली सनी देओल की फिल्म का राजकुमार संतोषी डायरेक्शन करने वाले हैं। हाल ही में सुपरस्टार सलमान खान मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए थे और उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सलमान खान स्माइल करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं और उनका वीडियो सामने आने के बाद से ही फैंस इसे काफी पसंद कर रहे हैं। इसके साथ ही सलमान खान के वीडियो पर फैंस अपना जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर की जोड़ी हमेशा ही चर्चा में रहती है। अब आज करण सिंह ग्रोवर अपना 42वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे में एक्ट्रेस ने अपने प्यारे हबी को बहुत खास अंदाज में बर्थडे विश किया है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें करण मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्यारा सा कैप्शन भी लिखा है और अपने प्यार का इजहार किया है। तेजा सज्जा की धमाकेदार फिल्म हनुमान का ओटीटी पर भी रिलीज होने जा रहा है। मतलब अब आप घर बैठकर फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे। तेलुगु फिल्म हनुमान 2 मार्च 2024 को ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज की जाएगी। इस प्लेटफॉर्म से मेगस का पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। बी टाउन में हाल ही में करीना कपूर और सैफ अली खान ने अपने छोटे लाडले बेटे जय अली खान का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। इस दौरान रणबीर के साथ उनकी बेटी राहा कपूर और उनकी भांजी समायरा साहनी भी नजर आई थी। अब भांजी और मामा का वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है और खूब पसंद भी किया जा रहा है और दोनों एक साथ बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। आलिया भट्ट जल्द ही वेदांग रैना संग करण जौहर की फिल्म जिगरा में नजर आने वाली हैं। अब आलिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो वेदांग रैना के साथ कोजी होती नजर आई हैं। ये तस्वीरें उनकी अपकमिंग फिल्म जिगरा की हैं जिसे शूटिंग पूरी होने पर एक्ट्रेस ने अपने फैंस के साथ शेयर किया है। मलाइका अरोड़ा का नाम इंडस्ट्री की सबसे फिट और खूबसूरत एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल है। हाल ही में मलाइका अरोड़ा को झलक दिखलाजा के सेट पर स्पॉट किया गया है। झलक दिखलाजा के सेट पर एक्ट्रेस ब्लैक बॉडी गाउन में नजर आ रही हैं। इस ड्रेस में मलाइका को देखकर फैंस भी दीवाने हो गए हैं। उनके इस वीडियो पर अब लोग जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। आज के लिए मायापुरी अपडेट्स में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।